वट ऑल थिंग्स डू वी नीड टू फोकस अपॉन क्या क्या परस्पेक्टिव आपको उसके समझने हैं तो द वेरी फर्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट इज द सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज गोइंग टू स्टार्ट मानसून सेशन पार्लियामेंट का स्टार्ट होने वाला है और वॉट द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि कुछ नए कुछ नए बिल्स कुछ नए एक्ट्स बने इस मानसून uh, सेशन से तो बोथ फॉर द अपोजिशन एज वेल एज फॉर दवर्मेंट दिस सेशन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट मच अवेटेड यू पर भी हो सकता है इस बार हमको डिस्कशन देखने को मिले मणिपुर uh, इशू जो अभी चल रहा है काफ़ी न्यूज़ में बिटवीन कूकी एंड मीति ट्राइब उस पर डिस्कशन आपको हो सकता है सुनने को मिले नंबर ऑफ बिल्स आर लाइंड अप तो इस मानसून सेशन में सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल एक्ट में कन्वर्ट हो पाएं बिल पास हो पाएं सो so दैट 2023 और जो नेक्स्ट ईयर इलेक्शन का ईयर है उसमें सरकार अपने टास्क को कॉम्पिटेंसी के साथ करना चाह रही है दूसरा जो अपडेट आपके सामने है दैट इज बनारस जो बनारस का कोर्ट है यानी वाराणसी कोर्ट टू तो प्रनाउंस जजमेंट इन ज्ञान वापी इशू ज्ञान वापी इशू आप सबको पता है इधर हैव बीन फ्रॉम पास्ट 400 हंड्रेड ईयर्स फ्रॉम पास्ट थ्री हंड्रेड ईयर्स औरंगजेब के समय से लेकर आज तक की अगर हम बात करें तो ज्ञान वापी को लेकर हमेशा से एक कंसर्न रहा है और अभी जो एक शिवलिंग की बात कही गई है कि जो प्रेमाइसिस है मॉस्क का उसमें एक शिवलिंग मिला है जिसको कि अपोजिट साइड ने फाउंटेन कहा इस चीज़ को लेकर पटिशन गया था कोर्ट में और उस पर ही जजमेंट पनाउंस होने वाला है अगेन एक ऐसा न्यूज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलिवेंस रखता है इन टर्म्स और उसके साथ काफी सारे एक्ट्स हैं चाहे फिर वो चाहे हेरिटेज से रिलेटेड हो या वर्शिप के एक्ट से रिलेटेड हो तो दोनों पर ही बेस्ड हमारे कुछ एक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं गवर्नमेंट एंड एल जी इशू इन सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार और दिल्ली के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उनके बीच एक टसल चल रहा है बिटवीन दी पार डिस्ट्रीब्यूशन और ये पार का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है इसको लेकर सेंटर ने थोड़े ही टाइम पहले एक लॉ मूव किया एक मोशन मूव किया है जिसको कि इस पार्लियामेंट सेशन में हो सकता है वो पास करेंगे मोर सो ये अभी जो रिसेंट इशू है वो डी आर सी के जो इलेक्शन जो हमारे दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके रेगुलेशन के लिए जो एक पूरा सिस्टम चलता है उसके हेड को अपॉइंट करने को लेकर ये कंसर्न रहा है जिसमें दिल्ली की गवर्नमेंट ने At the same time, left-hand Governor said that the Supreme Court decision that would be full and final. Now, what Supreme Court is going to do is again uh, their own concern, but there is a high possibility that Supreme Court will appoint a uh, ad hoc judge. Uh, the uh, ad hoc judge would definitely be uh, looking after the issue of DRC for next few months so that this tussle end. Ho so, moving forward, Hamarepas or important updates? Riger deadly landslide. Uh, ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है रायगढ़ विच इज़ रीजन इन महाराष्ट्र के कुछ सालों में अगर हम पंद्रह बीस सालों की बात करें देर तो क्या रीज़न है उस जगह पर फ्रीकुंटली लैंड स्लाइड्स आ रही हैं जोलॉजिकल सर्वे ने उस एरिया को स्टडी किया है और उसको वनरेबल जोन बताया है वनरेबल जोन है सेंस में वहाँ डिफोस्टेशन इतना ज़्यादा हुआ पेड़ों की को इतना ज़्यादा काट दिया गया है जो उनकी बाइंडिंग थी रूट्स की वो अब हार्म होने लगी है और है वो पोरस होने लगा बिकॉज ऑफ विच वहाँ पर फ्रीकुंट स्लाइड्स uh, आ रही हैं देर अ रीजन बिहाइंड इट वेस्टर्न घाट का रीजन है रायगढ़ महाराष्ट्र का और काफ़ी टाइम से uh, हमेशा से वेस्टर्न घाट में बारिश बहुत रहती है और बारिश होगी और कंटिन्यूसली उसी जगह पर जो पोरस रीजन है उसी पर अगर पानी गिरेगा तो जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वाटर की वो जो बाइंडिंग कैपेसिटी है सॉइल की वाटर को लेकर वो कम होने लगती है और इस वजह से लैंडस्लाइड आती रहती है और अभी जो डेडली लैंडस्लाइड की हम बात कर रहे हैं ये गांव में लैंडस्लाइड आई जहां पर तकरीबन ढाई सौ लोगों की आबादी थी एज ऑफ नाउ देर आर मोर देन हैव ऑलरेडी डाइड ओवर देयर और रेस्क्यू uh, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है काफ़ी उस एरिया से किस तरीके से लोगों को शिफ्ट किया जा सकता है अब तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या बनेगा ऑपरेंटी फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन बिकॉज इट इज अ थ्रेट अब ऑलरेडी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसके बाद लिख कर डेटा सारा न्यूज जो कह रहा है आप सब ने पिछले साल ये न्यूज सुनी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी पर्टिकुलरली रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ चीता फ्राम अफ्रीका टू इंडिया साउथ अफ्रीका से भी और नामीबिया से भी हमने चीताज लिये और टोटल ट्वेंटी चीता इंडिया में मूव किए गए पहले आठ हमारे पास नामीबिया से आए फिर बारह हमारे पास साउथ अफ्रीका से चीते और इन चीताओं को इंडिया में जब रिलोकेट किया गया उसमें तीन नए कप भी आए और चार चीता उसकी डेथ हो चुकी है अब ये क्वेश्चन ये कंसर्न बहुत बड़ा है कंसिडरिंग द फैक्ट कि पिछले कुछ महीनों में अगर हम पिछले चार पाँच महीनों की बात करें अगर इतन चार चीता अगर डेथ हो रही है चार चीतास की तो डेफिनेटली देयर माइट बी एन एम्बियंस इशू तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि डोंट मेक इट अ प्रस्टीज गवर्नमेंट को उन्होंने डायरेक्शंस दिया कि आप एक बार स्टडी करिए कि क्या रीजंस हो सकते हैं पॉसिबली की वजह से चीताज़ की डेथ हो रही है और अगर डेथ हो रही है तो क्या अगर हम इन चीताज़ को रीलोकेट कर दें टू अदर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विल इट बी पॉसिबल कि वहाँ पर उनका एम्बियंस uh, उनको उस तरीके से मिले जहाँ पर उनकी डेथ ना हो या वो सस्टेन कर पाए अब हमारे लिए यहाँ पर कंसर्नस काफ़ी सारे हैं इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट देयर ओन लाइफ बट हम उनकी फर्टिलिटी को भी ध्यान में रखें कि जो चीताज़ हैं वो मेट करके नंबर्स को मल्टीप्लाई करें चीताज़ के नंबर अगर मल्टीप्लाई होंगे तभी इसमें सस्टेनेबिलिटी आ पाएगी और तभी इंडिया में आगे लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेंगे कुछ लिमिटेड so में है मध्य प्रदेश में है और इनको रीलोकेट करने की अब बातचीत चल रही है अगर सरकार अग्री करती है तो सरकार इनको हो सकता है कुछ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर दे जो भी नियर अराउंड होगा या तो मध्य प्रदेश में ही और नहीं तो फिर आसपास के स्टेट्स में हो सकता है इट बी इन महाराष्ट्र चाहे तो गुजरात और नियर बाई एरियाज में आंध्रा कर्नाटका तेलंगाना इन सब रिलोकेशन का प्रोजेक्ट चलेगा तो प्रोजेक्ट तो चीता एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है बिकॉज इंडिया में चीताज एक्सटिंक्ट हो गए नाइनटीन इन लास्ट जो तीन चीताज थे वो मर गए बिकॉज ऑफ विच की आबादी फ्रॉम पास्ट सेवेंटी ईयर्स चीताज वर नॉट इन इंडिया और अल्टीमेटली उनको 2022 में इंडक्ट किया सरकार ने अंडर प्रोजेक्ट चीता और 20 चीता उसको इंडिया में लाया गया और अब हम उसके क्योंकि वहाँ पर फ्रीक्वेंट डेथ हो रही है चीतास की तो देर माइट बी अ चांस कि हो सकता है वहाँ पर उनको एम्बुलेंस सुटेबल नहीं मिला और अब उसका रिलोकेशन था इस पर सुप्रीम कोर्ट स्टेट को कह रहा है कुछ गाइडलाइंस इशू नेक्स्ट पॉइंट से श्रीलंका प्रेसिडेंट श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रम सिंघे इज कमिंग टू इंडिया फॉर अ टू डे स्टेट विजिट इन विच ही विल मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड विल डिस्कस द एंडियस इशूज श्रीलंका राइट नाव एजेंट टर्म ऑयल देयर आर हैज टोटली कलेप्स और अब दे वॉन्ट टू री स्टार्ट फ्राम द बिगनिंग स्क्रैच से वो अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ट करना चाह रहे हैं और इसी कड़ी में वो चाह रहे हैं कि इंडिया से उनको इन्वेस्ट तो इस बार आने का प्लान रैनल विक्रम सिंह का इज होल इज क्वाइट सिंपल टू गेट एज मैनी बिजनेस एज पॉसिबल इंडियंस या इंडिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्ट करें जाकर श्रीलंका में लेकिन यहाँ पर एक कंपल्शन एक क्वेश्चन सबके लिए कॉमन है दैट इज द इश्यू ऑफ चाइना इन द इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू श्रीलंका the chinese government and chinese brands chinese companies have made a lot of investment in past few years in sri lanka and sri lanka has taken a hefty loan amount from china considering that fact since they were unable to pay the sum back to china uh, there have been a uh, number of issues where the lands have been blocked like there is one of the most uh, important port in sri lanka which is hambantota now is Completely under China for 99 years. Now, what India is thinking from its own perspective, and that is quite important because since China is going to expand itself in the region of uh, Indian Ocean or Indian subcontinent, the region of Sri Lanka is very important for us as well. We want to invest in Sri Lanka, but at, not at the cost of having a face off with China. Either uh, Sri Lanka has to stop its uh, relation or reduce the uh, relationship with China in terms of investment, else, it would be very difficult for India to invest in Sri Lanka because we don't want any kind of stiffness or we don't want any kind of uh, coercion uh, between uh, the relation uh, with China. Since we are already having uh, conflicts with China or uh, uh, in terms of uh, business. डेफिनेटली काफी चीजें स्टेट पर होती हैं वट वी वॉन्ट राइट नाउ इज हम चाह रहे हैं कि अगर श्रीलंका इफ इट इज गोइंग इन परस्पेक्टिव ऑफ चाइना और इफ इट इज गोइंग टू मेक इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विद चाइना देन डेफिनेटली इंडिया इज नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट विद देयर बट क्योंकि चाइना को पिछले कुछ uh, महीनों में अगर हम बात करें कुछ सालों में बात करें इंडिया ने बहुत सारा ग्रांट दिया है एस्पेशली आफ्टर देयर इकोनॉमिक कोलैप्स उनका फॉरेक्स रिजर्व ऑलमोस्ट नील हो गया था तो इंडिया वॉज देयर टू असिस्ट डैम चाहे फिर वो फूड मटेरियल का सप्लाई हो चाहे वो वैक्स का सप्लाई हो चाहे ऑयल का सप्लाई हो क्रूड ऑयल वगैरह सब कुछ इंडिया ने उनको दिया है रिलीफ मटेरियल इंडिया ने बहुत प्रोवाइड किया है उनको बिकॉज ऑफ विच श्रीलंका डज हैव दैट सेंस कि इंडिया से उनको असिस्टेंस मिली है तो दे हैव टू गेट इट दे हैव टू डेफिनेटली नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी वट वी आर एक्सपेक्टिंग एज हम चाहते हैं कि रिलेशनशिप को एटलीस्ट हम उनके साथ बढ़िया कर सकें और उनके कुछ पोर्ट पर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सो so दैट हम उसको आगे ट्रेड के लिए यूज़ कर पाए एट द सेम टाइम टूरिज़्म एक बहुत बड़ा ऐसा आ, हमारे आ, और श्रीलंका के भी अगर टूरिज़्म को बूस्ट किया जाएगा श्रीलंका में टूरिज़्म एक काफ़ी बड़ा ट्रेंड सेटर रहा है हमेशा टोटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है उनका जो टोटल रिटर्न आता है उसमें टूरिज़्म का काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है तो इंडिया से भी बहुत सारे लोग श्रीलंका जाते हैं ट्रिप्स और हम चाहते हैं कि उसको एज अ हॉटस्पॉट डेस्टिनेशन जरूर बनाया जाए और इंडिया का इन्वेस्टमेंट उसमें दिए तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रम सिंह गोइंग अहेड हेनरी किसिंगर मीटिंग शी जिंगपिंग हेनरी किसिंगर शी जिंगपिंग से मिले ये हेनरी किसिंगर uh, एक बहुत बड़े डिप्लोमैट रहे हैं अमेरिका के इज हंड्रेड ईयर्स और सौ साल के हैं वो अभी आए हैं चाइना चाइना से उनका तो काफी बड़ा काफ़ी पुराना काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है तो चाइना एंड यू एस ए हैव बीन इन कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम पास्ट फोर्टी फिफ्टी इयर्स, फिफ्टी इयर्स से ज़्यादा हो गए नाइनटीन सेवेंटी वॉज द टाइम वेन हेनरी किसिंगर वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड यू एस एनरी ऑन द कॉल ऑफ रिचर्ड निकसन टू चाइना Uh, premier Chinese premier was Mao Zedong. So Henry Kissinger met with the uh, um, Mao Zedong, settled out the issues in 1971. After which, America started investing in China, and the relationship between China and USA normalized. Uh, but in recent few years, whether it was the term of uh, Donald Trump or for that matter Joe Biden, they are clearly indicating that China is not agreeing with their views and are in con in conflict with USA. As a result of which, many of the big businesses from China have moved out, uh, and USA settling them in the rest of the other countries. But in past few months, there are many businessmen, including uh, Elon Musk, they are saying that China is a hot spot for investment, and uh, might be Republicans and diplomats. At certain point in time, that the uh, leaders who are of tall stature in American politics they are uh, putting the things from backward area or and they are putting the things in a vision that uh, that could again uh, move the us and uh, chinese contingency closer so as to make again a possible investment in china so uh, china on the global map right now is one of the uh, largest moving economy they are showing a positive trend in growth Apart from India, it is the only large economy that has uh, stabilized. Now, this is what we came to know from the news, but uh, the media in China is totally blocked. They are not transparent. So, whatever data the government portrays, they just have to show it. So, there's no, uh, uh, you can say, they, they are just unquestionable, unreachable as well. So, whatever there is in main, mainstream media, from that, it is quite prevalent that China is a growing economy right now, and uh, labor as well as raw material are quite inexpensive in that region. So, Henry Kissinger uh, uh, meeting with Xi Jinping right now is it possibly categorized as one of the major events? So, these are a few of the important tidbits, the important news which you need to remember in this particular week there are a number of things which we have already discussed, we, whether it was prime minister's Narendra Modi visit to usa and egypt, prime minister's visit to france, as well as launch of Chandrayaan third, right. so these are again pretty much important issues which you need to focus upon. so that's all in this video. we'll meet again with some of the new contents and possibly the most important thing. I have to learn considering the fact that various entrance exams, चले दैट सॉल फॉर टुडे मिलेंगे बहुत जल्द विद्यूड एंड न्यूटेंट एज वेल थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट डेड बाय